गाइस, आप में से बहुत से लोगों ने फ्लाइट में तो सफर किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है फ्लाइट में मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर क्यों लगाया जाता है? आइए तो इसके पीछे का फैक्ट जानते हैं। प्लेन को किस दिशा में उड़ान भरनी है, आगे का रास्ता साफ है या नहीं, इसकी जानकारी पायलट को टावर के जरिए मिलती है। लेकिन प्लेन में अगर किसी व्यक्ति के पास मोबाइल ऑन होने से टावर के सिग्नल मोबाइल कैच करने लगता है, जबकि पायलट को सही से सिग्नल नहीं आते, इसके चलते विमान को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे देशों में अगर किसी व्यक्ति ने प्लेन में एरोप्लेन मोड ऑफ नहीं किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे देशों में इसे एक अपराध माना जाता है। प्लेन में मोबाइल के ऑन होने एवं से एरोप्लेन मोड पर डालने से मोबाइल की फ्रीक्वेंसी प्लेन में लगे सेंसर में हलचल पैदा करती है। इसके अलावा ये प्लेन में संपर्क करने वाले अहम हिस्सों को भी प्रभावित करता है, जिससे ट्रांसमिशन प्लेन के साथ साथ मोबाइल के भी सिग्नल पकड़ने लगता है। ऐसा होने पर विमान गलत दिशा में जाने लगता है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर। गाइस, आपने बहुत से लोगों ने एरोप्लेन में तो सफर किया होगा, क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन का टॉयलेट कहां पर जाता है या फिर ऊपर से ही नीचे जमीन पर गिरता है? आइए तो जानते हैं। दरअसल फ्लाइट में वैक्यूम टॉयलेट यूज होते हैं। ये टॉयलेट एक पाइप के जरिए टैंक में अटैच होते हैं। एरोप्लेन में करीब 200 लीटर का एक बड़ा सा टैंक लगा होता है। इसी टैंक में सारा मलमूत्र इकट्ठा होता है। वैक्यूम टॉयलेट लिक्विड और सॉलिड मलमूत्र को अलग कर देते हैं और उसे टैंक में भेजते हैं। ये टैंक हर उड़ान के बाद एयरपोर्ट पर खुलता है और इसे खाली किया जाता है। एयरपोर्ट पर मौजूद कंपनी के कर्मचारी ये काम करते हैं, जिसके लिए उन्हें काम को करने के लिए उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गाइस, क्या आप जानते हो एरोप्लेन में हॉर्न लगा होता है? आखिर ये क्यों लगाया जाता है, आइए इसके पीछे का फैक्ट जानते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं आसमान में पक्षियों को भगाने के लिए इन हॉर्न का यूज किया जाता है, पर ऐसा नहीं होता। वाहनों की तरह इन हॉर्न का यूज सावधान करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि नीचे खड़े हुए इंजीनियर से कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इन हॉर्न की आवाज अलग अलग होती है, जो सिस्टम में आई खराबी के अनुसार अलग अलग आवाज से बजती है। इससे एयरक्राफ्ट इंजीनियर यह पता लगा पाता है कि जहाज के किस हिस्से में खराबी आई है। आपको बता दें, हवाई जहाज के हॉर्न की आवाज सायरन जैसे होती है। यह हॉर्न सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही बजाया जा सकता है। और आपको बता दूं, एरोप्लेन में ऑटोमेटिकली भी हॉर्न होते हैं जो सिस्टम में आई खराबी की वार्निंग देते हैं कि किस हिस्से में खराबी आ रही है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।